जैसे हम गाँव छोड़ के भाग जाए आज के बाद मिलने नहीं होता है ना, जैसे हम ऐसा नहीं है कि हमको वेतन मिल रहा है, सरकार वेतन दे रहा है, ये सरकार वेतन दे रहा है, सरकार वेतन दे रही क्या हम उतना लंबा कहाँ थी सरकार से, जब आपसे मैटर जब आप जान रहे हैं सारा जो सिस्टम है, आप सिस्टम से ही हम बोले ना, आप एक ही बार बोले तो आप अच्छा एक बात बताइए। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां इन दिनों विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कमीशनखोरी और घपलेबाजी के नित नए मामले उजागर हो रहे हैं। कहीं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और आधारशिला से पूर्व अग्रिम कमीशन की मांग को लेकर महत्वपूर्ण अति महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाएं लंबित हैं, तो कहीं योजना पूर्ण होने के बाद उद्घाटन की बात जो हो रही है। कुछ ऐसा ही नया मामला चतरा जिले के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड में सामने आया है, जहां योजना निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद कार्य कमीशन खोरी की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। मामला प्रखंड अंतर्गत जिला परिषद भाग एक का है, जहां शमशान घाट निर्माण कार्य के एक संवेदक ने जिला परिषद रविता देवी के पति संतोष राणा पर योजना के बदले कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में संवेदक और आरोपी का क्या कुछ कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं दिनेश यादव, ग्राम जोगी जी, जिला परिषद के मत से एक शमशान घाट पर शेड मिला था बनाने के लिए, उसका एस्टिमेट है 2,49,000 समथिंग, और बनाकर रेडी कर दिए हैं, MB भी हो गया है। जिला परिषद ऑफिस के द्वारा बोला गया कि जिला परिषद प्रतिनिधि के उद्घाटन का फोटो ला कर दीजिए, उसके बाद पेमेंट होगा। जिला परिषद प्रतिनिधि संतोष राणा द्वारा बोला जा रहा है कि उद्घाटन करने जाने से पहले परसेंटेज देना होगा, जो PC मेरा बनता है। हमने बार बार मिला उनसे, आजकल करके टाल रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट किया भी, बोला कि आने जाने का फिलहाल खर्चा दे देंगे, अभी पेमेंट मुझे मिला नहीं, जब मिलेगा तो कुछ करा देंगे, लेकिन किसी परसेंटेज के हिसाब से नहीं दे पाएंगे, पक्का वर्क है। नहीं मिला है मुझे। तब आपसे कितना डिमांड किया जा रहा था परसेंट में? लगभग 5% के आसपास बोल रहे थे। बोलिए। आज जैसा कि आपको दिनेश यादव के द्वारा शमशान घाट में परसेंटेज मांगने का बात की जा रही है, क्या पूरा मामला है? ये मामला है, शमशान घाट जो बनाए हैं वह गलत तरीके से बनाए हैं और लिखे भी हैं, जो गलत तरीके से लिखे हैं। मुझे बार बार दबाव दिया जा रहा है कि आप उद्घाटन कीजिए, तो एक बार जब मैंने जाँच के लिए गया तो उसमें देखे कि गलत लीगल तरीके से लिखा हुआ नहीं था। उसके बाद मैंने बोला कि आप जो हैं उसको सिस्टम से काम कीजिए, हम आपको उद्घाटन करेंगे, है ना। उद्घाटन करने में मुझे दिक्कत नहीं है, बार बार हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए सरकार मुझे वेतन भी नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार का वेतन मिल रहा है, हम जहाँ बुलाइएगा हम दौड़े चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप काम कर लीजिएगा, हम जाँच कर लेंगे, उसके बाद आपका उद्घाटन भी हम कर देंगे। जो पैसा की बात है वह निराधार झूठ मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है, और अगर ऐसा उनके पास कोई साक्ष्य प्रमाण है तो मुझे प्रस्तुत करें, और नहीं तो ऐसे वो अपने खंडित करने के लिए ऐसे विद्यालय भी, मैं कई विद्यालय को निरीक्षण किया, निरीक्षण में सभी विद्यालय में गड़बड़ पाया गया है, और उसी कर्म में उन्होंने एक विद्यालय के अध्यक्ष हैं तो उनको भी लगा होगा कि हमारा विद्यालय भी ऐसा नहीं कि जाँच हो जाए, इसके चलते भी आरोप लगा सकते हैं। बहुत सा ऐसी मामला है जो मैंने कई विभाग का भी मैंने जाँच किया, खाद्य पूर्ति विभाग का जो जांच हुई उसमें भी अनियमितता बरती गई है, विद्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं आई उसमें भी अनियमितता बरती गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे बदनाम करने के लिए इस तरह के लोग साजिश रच रहे हैं और इस तरह के बात बोल रहे हैं। तो यह जो पैसे की बात है यह झूठ है, और मुझ पर ब्लेम जो लगाया जा रहा है ये सरासर गलत है। अगर पैसा की बात मैं उनसे किया हूँ तो मुझे वो प्रमाण दे, एविडेंस प्रस्तुत करे, नहीं तो मैं FIR करूंगा उनके ऊपर, और 2 से 3 दिन के अंदर मुझे प्रमाण चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो मैं उनके ऊपर मुकदमा करूंगा।
कैसे कर, जैसे हम गांव छोड़कर भाग जाएंगे आज के बाद मिलवे नहीं कर रहे हैं ना, उसे कैसे होते तो पैसा नहीं चलेगा ना, जैसे हम ऐसा नहीं है कि हमको वेतन मिल रहा है, सरकार वेतन दे रहा है, ये सरकार वेतन दे रही है, सरकार वेतन दे रही क्या सारा जो सिस्टम है, आप सिस्टम से ही हम बोले ना, आप एक बार बोले तो आपको अच्छा एक बात बताइए, ना हम उधार करेंगे इसलिए नहीं उधार करेंगे ना, आप पहले ही संदेह में हमको डाल दिए, हम संदेह में डाल दिए, कैसे नहीं डाल, आप मेरे जगह रहते हैं ना सर, तो आप भी वही कम्मा करते जो हम किए थे, बस इतना जान लीजिए, कहीं कहीं मजबूरी होता है इंसान को, आप समझिए या ना समझिए अलग चीज़ है, लेकिन मजबूरी होता है, लेकिन हम वो मजबूरी पर फिर भी आपके जैसे ही बात आया ऑफिस जैसे बताया, हम दरकिनार किए कि नहीं करते, या आपसे नहीं बोलते तय वो बात नहीं, बढ़िया खा रहा है अहरा कोई मदद कर रहा है, तो ये सब बात हम करते तो नहीं, हमको पैसा चाहिए सर, हम पैसा लगो लें, हमको केकर नाम रहेगा केकर नहीं रहेगा उससे हमको मतलब है, जो ऑफिस पर रहेगा अरे उपरा काल चेंज करा इधर पैसा उड़ा जल्द पैसा लगे ला है आपका तो मेन सुपर नाम लिखले है, आपका कहीं दिक्कत है तो बताइए, कितना बढ़िया लिखा है सर, माननीय जिला परिषद सदस्य श्रीमती रविता भी कितना बढ़िया लिखा है, ठीक है करता हूँ दोबारा सुसंपन्न कितना खराब खराब सर, हम शुरू शुरू बोर्ड बनवाए इसलिए बनाहू वाला हमको धोखा दे दिया, तब का करिएगा, आदमी से नहीं कराएंगे, ऐसा मौका कहीं भविष्य में मिलेगा तैसे तो मिलवे नहीं करेगा, आप लोग तो हम लोग पर ध्यान देंगे कि नहीं देंगे, हम आने वाले जिला परिषद के दूसरे का बना जिले परिषद के और काम होटो तो दिया उपरम बल्कि एडवांस देव जैसे पसंद कर रहा था कुछ करना भी नहीं था और गुंजाइश हो तो था हमें बोर्ड है ना, देखो बोर्ड है ना, पता नहीं कि बोर्ड नहीं है काम करो।